अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौशल, और किचन विद कौशल में बहुत ही मज़ेदार सा कीमे वाला पुलाव पकने लगा है। और ये कीमे वाला पुलाव इतना मज़ेदार है कि आप हैरान हो जाएंगे, और कम कीमे में आपको पका के दिखाऊंगी, यानी कि थोड़ा सा कीमा होगा। ये कीमा लिया है मैंने बीफ का एक पाव कीमा मैंने धो लिया है। टमाटर लिए हैं 3 अदद, प्याज 1 बड़ा स्लाइस में काट लिया, हरी मिर्चें 6 अदद ली हैं इनको भी काट लिया है, गरम मसाला 1 टेबल स्पून लिया है, और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया मैंने 1 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, सुर मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून पीसी लाल मिर्च। और ये गरम मसाला और हरी मिर्चें मैं आपको बाद में डाल के दिखाऊंगी ये किस टाइम डालना है। और एक कढ़ाई ली है मैंने, इसके अंदर मैं 1 कप ऑयल का डाल दूंगी, सबसे छोटे वाला कप, क्योंकि 2 गिलास चावल हैं और 1 पाव कीमा है। और ये देखें इतना मज़ेदार बनेगा पुलाव, इतना मज़ेदार पुलाव बनेगा, थोड़े से कीमे के अंदर इतने सारे चावल बनके तैयार हो जाएंगे। और ये प्याज डाल दिया है मैंने इसके अंदर, प्याज को हम डार्क कलर का फ्राई करेंगे। और 1 पाव कीमे के अंदर 5 अफराद अच्छी तरह पेट भर के खाना खा सकते हैं, तो आप ये ज़रूर बनाइएगा, अफ्तारी में बनाएं तो क्या बात है। और ये देखें प्याज डार्क कलर का हो गया है, और मैंने इतना ही इसको कलर देना था। और इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा, ये मैंने आपको बताया नहीं था तो मैंने अब बता दिया है। और ये ज़रा सा चटक जाए तो इसमें मैं कीमा डालूंगी, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत आती है। तो ये 1 पाव कीमा है, कीमा डाल दूंगी इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसके कच्चापन दूर हो जाए। थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी और छींटे ना आए, इतने आराम से पानी डालना है, थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये चिपके भी ना और जले भी ना। ये देखें चिपक गया है, तो कढ़ाई इधर उधर हो रही है। ये आधा गिलास मैंने पानी डाला है और इसको मैं मिक्स करूंगी। और अब कुछ मसाले डाल लेते हैं, और जो टमाटर काटे हैं और लहसुन अदरक वो भी डाल लेंगे इसके अंदर। अदरक मैंने ज़्यादा लिया था, क्योंकि अदरक की बहुत अच्छी खुशबू आती है पुलाव के अंदर। और ये मैं इसमें डाल दूंगी मसाले, ये जो मैंने आपको बताए थे, नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। और डाल देंगे अब ये टमाटर, और इसको मैं हरी मिर्च डालूंगी, आधी डाली मैंने, ये सारी नहीं डाली, बाकी बचा ली है वो मैं बाद में डालूंगी, और मैं आपको बताऊंगी कि कब डालनी है। और इसको मैं आधा गिलास पानी और डाल दिया, यानी कि टोटल 1 गिलास हो गया है। ये इसलिए डाला है ताकि कीमा गल जाए और पानी खुश्क होने तक देखते हैं। मैंने 10 मिनट के लिए कवर कर दिया था, और ये देखें 10 मिनट में पानी भी खुश्क हो गया है और कीमा भी हमारा गल गया है। और मैं आपको एक बार बताऊँ, ये ढक्कन दे के ना आपने बैठ नहीं जाना, इसको आपने चेक भी करते रहना है। ये मैंने 2 दफ़ा चेक किया था, ऐसा ना हो आपका कीमा जल जाए, पानी खुश्क हो जाए। तो ये लाजमी बीच में देखा करें कि जल ना जाए कीमा। और इसकी मैं भुनाई कर लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा पुलाव रेडी हो जाएगा, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत फरमाइश करते हैं चिकन का पुलाव, कीमे का पुलाव। तो इसका देखें पानी खुश्क हो गया है, इसमें मैं पानी डालूंगी। अब चावलों के हिसाब से डालना है, 2 गिलास चावल हैं तो मैं इसमें डालूंगी 4 गिलास पानी के। और ये भुन चुका है, और ये पानी डालती हूँ मैं, 4 गिलास मैंने पानी लिए थे, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको उबाल आने तक पकाएंगे पानी को। तो इसको मैं कवर कर दूंगी उबाल आने तक, जब उबाल आ जाएगा तो हम बताते हैं क्या करेंगे। और पानी में उबाल आ गया है, ये देखें इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, चावल हमने भिगो के रखे थे आधा घंटा पहले, चावलों को उठाएंगे, कफगीर की मदद से उठाना है ताकि पानी ना आए, और चावलों को इस तरह डालते रहेंगे कफगीर की मदद से। चावलों में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना आपके चावल ख़राब हो जाएंगे। इस सारे चावल मैं इसमें डाल देती हूँ, और इतने सारे चावल बनेंगे क्योंकि चावल मैंने भिगोए थे तो इसलिए ज़्यादा बनेंगे। और देखें कितना अच्छा लगेगा जब पकेंगे 2 गिलास चावल। और इसमें चमचा भी चलाएंगे, ये देखें मैंने डाल दिए हैं सारे चावल इसके अंदर, और ये हरी मिर्चें जो बचाई थी वो भी डाल दी इसके अंदर, और गरम मसाला भी इसमें डाल देंगे,
ये देखें, ये गरम मसाला इस टाइम डालना है, इससे पहले आपने बिल्कुल भी नहीं डालना। इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है और मिर्चों की भी बहुत अच्छी खुशबू आती है पुलाव में, तो इस टाइम आपने ये दोनों चीज़ें लाजमी डालनी है। और इस स्टेज पे आप नमक भी टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम है तो आप डाल लें, मैं टेस्ट करके बताती हूँ। तो नमक हमारा कम है, मैं 1 टीस्पून और डाल लेती हूँ। ये 1 टीस्पून मैंने और डाल दिया है। इसका टेस्ट करने का तरीका ये है, अगर आपका पानी नमकीन होगा तो समझें बिल्कुल परफेक्ट है नमक इसके अंदर, और अगर कम है नमकीन तो इसमें नमक और डाल लें। उसको कवर कर दूंगी उबाल आने तक। और ये देखें, मैंने एक दफ़ा आपको देखने के लिए हटाया ढक्कन, आप देख सकते हैं पानी खुश्क इसका होता जा रहा है, मज़ीद और खुश्क हो जाएगा तो मैं आपको बताती हूँ। और पानी खुश्क हो चुका है इस तरीके से, ये देखें, ये देखें, बस ज़रा सा रह गया है, तो इसको मैं कवर कर देती हूँ मज़ीद। और अब बिल्कुल खुश्क हो गया है ये देखिए इस तरीके से। और मैं इसको दम पे लगा दूंगी, तवा रखूंगी पहले और उसके ऊपर ये कढ़ाई रख दूंगी, और पहले तवा गर्म हो जाए फिर हल्की आंच कर दूंगी। 15 मिनट के लिए मैंने दम लगाया था और डिश आउट कर दिया है। तो ये इसी तरह आपने ट्राई करना है। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका पुलाव कैसा बना है। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।